मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको लाभ और हानि पढ़ाएंगे जो आपके पुलिस और किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। जो इसमें से एक दो क्वेश्चन फिक्स होता है कि आना तय है, तो आप इसमें से क्वेश्चन जरूर लगाइएगा और इसको फार्मूले अच्छे समझिएगा। तो इसमें क्वेश्चन भी कराएंगे जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जाने कि क्रय मूल्य होता क्या है। क्रय मूल्य क्या होता है, जिसे बोला जाता है कास्ट प्राइस बोली जाती है। क्या लिखा है, द अमाउंट फॉर विच एन आइटम्स बाय व्हाट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब क्रय मूल्य क्या होता है, जब कोई चीज हम कुछ खरीदते हैं तो हमारा क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। जब कोई चीज हम बेचते हैं तो सेलिंग प्राइस, यानी कि जब कोई चीज हम बेचते हैं तो क्या होता है, वो विक्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दो चीजें होती हैं। क्रय और विक्रय से ही डिसाइड होता है कि किसी भी व्यक्ति को लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। तो आइए हम लाभ और हानि समझते हैं। लाभ और हानि, जिसे बोला प्रॉफिट और लॉस बोला जाता है। ठीक है, आप प्रॉफिट कब होता है, जब हम कोई चीज 100 रुपये में खरीदेंगे और उसको 120 रुपये में बेचेंगे। इसका मतलब क्या है, ये हमने खरीदा तो सीपी हुआ, हमने बेचा तो क्या हुआ, एसपी हुआ। इसका मतलब प्रॉफिट निकल के क्या आया, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। अगर फार्मूला आप बनाएंगे तो लाभ इक्वल टू विक्रय मूल माइनस क्रय मूल। क्लियर है। अब अगर आपको हानि समझना है, इसका मतलब आपने 80 रुपये में कोई चीज खरीदे और कितने, 60 रुपये में बेच दिए। इसका मतलब एसपी है, ये क्या है, सीपी है। तो ज्यादा कौन है, सीपी। इसका मतलब लॉस सीपी माइनस एसपी, यानी कि हानि इक्वल टू क्रय मूल माइनस विक्रय मूल। क्लियर है, आपको पता चला कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, पता चल गया। जब कोई चीज खरीदते हैं उससे ज्यादा दाम पर बेचते हैं तो क्या होता है, लाभ होता है। जब उससे कम दाम पर बेचते हैं तो क्या होता है, हानि होता है। तो आइए हम समझते हैं कि आप परसेंटेज अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। इसका मतलब क्या हुआ, लाभ प्रतिशत इक्वल टू लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। क्लियर है। अगर हानि आपको निकालना है, लॉस परसेंटेज, तो हानि अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। आप इसको लॉस परसेंटेज में लिखना हो तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। आप इंग्लिश हिंदी दोनों आप अच्छे से लिख सकते हैं और समझ भी आ रहा होगा आपको। क्रय और विक्रय आप समझ में आया और लाभ हानि भी समझ में आया। अब आपको एक फार्मूला जो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, आइए हम आपको बताते हैं। आप इसको अच्छे से राइट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर इसमें क्वेश्चन भी होंगे जो आपके अब कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारा ये होता है एसपी इक्वल टू, जब आपको क्या क्या दिया रहे, क्रय मूल्य दिया रहे, सीपी दिया रहे और गेन परसेंटेज दिया रहे, तो आप करेंगे 100 प्लस गेन परसेंटेज अपॉन सीपी इंटू 100, यानी कि विक्रय मूल्य इक्वल टू 100 प्लस लाभ प्रतिशत अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। ये हमारा किसका फार्मूला होता है, विक्रय मूल्य का। अगर आप यही, आपको जो प्रॉफिट है यही लॉस हो जाए तो आप क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य 100 माइनस हानि प्रतिशत अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। इसमें एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं कम्पिटेटिव एग्जाम में जो पूछे जाते हैं। अब आपको अगर पूछा जाए सीपी, अगर सीपी पूछा जाए तो आप क्या निकालेंगे, सेम ऐसे ही। तो सीपी के लिए आप यहाँ लिख सकते हैं सीपी इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस गेन प्रतिशत इंटू एसपी, यानी कि क्रय मूल इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस लाभ प्रतिशत इंटू विक्रय मूल। क्लियर है, ये लाभ के लिए है।
अगर हानि के लिए आपसे पूछा जाए, लॉस के लिए, तो आप क्या करेंगे? क्रय मूल्य 100/100 प्लस हानि प्रतिशत इंटू विक्रय मूल्य। ये जो फार्मूले हमने बताया बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद हम क्वेश्चंस आपको कराएंगे क्रय और विक्रय और हानि लाभ के, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। पहले हम लॉन्ग मेथड बताएंगे, उसके बाद ट्रिक बताएंगे, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, ये बहुत पूछा जाता है। आप ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर भी कर सकते हैं, और ये फार्मूला आप अच्छे से राइट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस कराएंगे जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक यू।